हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम। योग के अंतर्गत साधना आसन एवं प्रणाम को अपनाने हैं और यही एक विकल्प है दीर्घायु बनने का। इससे व्यक्ति अपनी सुखद स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना कर सकता है। योग को अपनाने से मन में शांति, मन और शारीरिक विकार का निग्रह, स्वस्थता का संचय, जीवनीय शक्ति की वृद्धि, महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंगों तथा तंत्रों में ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही व्यक्ति के भीतर संस्कृति और संस्कार जागृत होता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में तब तक सुख की उत्पत्ति नहीं होगी, आगमन नहीं होगा जब तक हम अपने इस भारतीय संस्कृति और संस्कार को नहीं अपनाएंगे। इसलिए योग स्वस्थता के साथ साथ संस्कृति और संस्कार की भी उत्पत्ति करता है। धन्यवाद है। साथ बाहर निकालेंगे, ऐसा हमारा जितने भी निगेटिव थॉट है सब श्वासों के साथ बाहर निकल रहे हैं ऐसा महसूस करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा मन होता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका शरीर कार्य करेगा। तो एक बार लंबे गहरे श्वास जितने आप ले सकते हैं उतने लंबे गहरे श्वास लेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, पूरी हाथों को नीचे की तरफ खींचेंगे, अपने छातियों को चेस्ट अप करेंगे, फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे। जैसा एक बार ऐसा करके देखिए, लंबे गहरे सांसों को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, चाहे स्टार्ट करते हैं दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ होनी चाहिए आपके और पूरा शरीर खींचा हुआ आना चाहिए, पूरे स्पाइन पे एक खिंचाव महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले आए। तो सबसे पहले हमारा शरीर, जब सुबह हम लोग प्रातः उठते हैं तो अपने शरीर का जिस तरह से गाड़ी चलाने के पहले अपने गाड़ी को चेक करते हैं कि हमारा सब कुछ ओके है, तब आप रोड पे लेके जाते हैं। उसी तरह हमारा गाड़ी रूपी ये जो शरीर है, इस शरीर का भी अवलोकन करेंगे कि मेरे शरीर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मेरे गर्दन चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मेरे शोल्डर चल रहे या नहीं चल रहे, मेरे कमर चल रहे या नहीं, मेरे घुटने चल रहे या नहीं, सबको एक बार थोड़ा थोड़ा चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीवा चालन। क्या बोलते हैं? ग्रीवा चालन, यानी कि गर्दन को चलाना ही ग्रीवा चालन है। तो दोनों हाथों को आप लोग कमर पे रख ले, श्वासों को छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को कंठ कोप के पास लगाने का प्रयास करेंगे। फिर लंबे गहरे श्वासों के साथ पीछे की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ देखें, जितना ऊपर आपके गर्दन जाते हैं। और जितने भाई बहन हैं, अगर किन्हीं को कोई गंभीर समस्या हो या चक्कर आता हो या मिर्गी हो तो वैसे लोग योगाभ्यास नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो श्वासों को छोड़ करके आगे जाना और श्वासों को लेकर के पीछे की तरफ जाना, चार पांच बार यही प्रक्रिया आप दोहराएंगे। फेफड़े में पूरी लंबी हवा भरेंगे, श्वासों को भरने के बाद पूरी श्वासों को बाहर निकालेंगे। मन में थॉट ऐसा हो कि हमारे शरीर में एक दिव्यता, एक ओज, एक तेज हमारे शरीर के अंदर श्वासों के जरिए आ रहा है और श्वासों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कचरा जितने हमारे फेफड़े में थे वो सारे बाहर निकल रहे हैं। इस थॉट के साथ आप लोग आगे और पीछे करते रहे। अब पुनः क्या करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए अपनी बाई साइड के कान को बाई शोल्डर के तरफ लगाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बातें होंगी कि आपके जो कंधे हैं वो उठने नहीं चाहिए, कान जाना चाहिए आपके कंधे तक। बिल्कुल
बहुत आराम से करेंगे। फिर श्वासों को लेते हुए अपने सिर को सीधा कर दें, जैसे हमारे यहाँ पे मंच पे आप देख सकते होंगे जितने हमारे योग शिक्षक हैं, सभी लोग जैसा कर रहे हैं उनका अनुसरण करिए। आप लोग दो चार बार ऐसा करिए, श्वासों को छोड़ करके बाएं जाएंगे, फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने सिर को सीधा करेंगे, फिर दूसरी साइड जाएंगे। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे कि श्वासों को छोड़ते हुए अपने सिर को बाई ओर जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, फिर श्वासों को लेते हुए अपने सिर को सामने की तरफ लेकर के आ जाएंगे। यही क्रिया आप विपरीत करेंगे, दाहिनी साइड में श्वासों को छोड़ते हुए जाएंगे और श्वासों को लेते हुए अपने सिर को सामने लेकर के आ जाएंगे। चौथा अभ्यास हम ग्रीवाचालन के लिए करते हैं, श्वासों को बाहर निकालते हैं, अपने ठुड्डी को कंठकूट के पे लगाते हैं, लंबी गहरी श्वासों को लेते हुए गोल सर्कल गर्दन का करें। देखिए मंच पे जैसे लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग मिला लीजिए। पहले घड़ी के सोल्टे रूप में घुमाएंगे और फिर इसके उल्टे रूप में घुमाएंगे। ये चार बार पांच बार अपने गर्दनों का सर्चिंग करें, क्या गर्दन हमारे घूम रहे हैं महसूस करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे तो आपके बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है इसका। क्योंकि ये साथ ही साथ हम लोग प्राणायाम भी कर रहे हैं और अपने गर्दनों का चालन भी कर रहे हैं, हमारे गर्दन भी फ्री हो रहे हैं। बहुत लोगों को गर्दन में दर्द हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। इस तरह का अभ्यास अगर करते हैं तो गर्दन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं आपकी वो आपके दूर हो जाते हैं। छोटी सी क्रिया बट अगर इसको दिल से अगर करेंगे तो इसका लाभ बहुत अद्भुत है। अभी हम दूसरा शोल्डर के लिए करेंगे, अपने शोल्डर को चलाएंगे तो वही क्रिया जो मैं पहले बताया था कि लंबी गहरे श्वासों के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, शोल्डर आपके पूरा अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ खींच जाने चाहिए, पूरा खिंचाव महसूस करें कि हमारे दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए, श्वासों को बाहर निकालते हुए वापस पहले वाली स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को फिर वापस उठाएंगे, दोनों हाथों के पांचों उंगलियां अपने अपने शोल्डर पे लगा लेंगे, शोल्डर को पकड़िए। जिन लोग को नहीं पकड़ में आता थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ज्यादा भी मत करिएगा कि चक्कर आ जाए, लेकिन आसानी से ये बहुत साधारण तरीके से है, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। दोनों कोहनियों को आपस में मिला लें, लंबी गहरी श्वासों के साथ अपने कोहनियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, आपकी मोटी मसल आपके कान के साथ लग जानी चाहिए, कोहनी का रुख बिल्कुल आसमान की तरफ हो, फेफड़े में पूरी हवा भरी हुई हो और वापस नीचे पीछे की तरफ से अपने कोहनी को नीचे की तरफ लाएंगे, श्वासों को बाहर पूरा श्वासों को बाहर निकाल देंगे। यही प्रक्रिया आप लोग चार बार पांच बार ऐसा करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कुछ लोग तेजी के साथ कर रहे हैं, तो तेजी के साथ ना करें, इसको ब्रीदिंग के साथ करें, लंबे गहरे श्वासों के साथ, पूरे श्वासों के साथ लेते हुए तो इस प्रकार का करेंगे तो चार से पांच बार इसका अभ्यास करेंगे। अभी यही क्रिया विपरीत दिशा से करेंगे, पीछे के साथ जाएंगे श्वासों को लेते हुए ऊपर और फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे, तो इस तरह का आप संचालन करेंगे। तो इसे बोलते हैं असंध संचालन। आपके शोल्डर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपके दूर होते हैं ऐसा करने मात्र से, और श्वासों का आप ध्यान अगर रखते हैं तो आपके फेफड़े बहुत बलिष्ठ और मजबूत बनते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े में जितनी प्राण वायु भरेंगे उतनी पावर हमारे अंदर आएगी। तो उस प्राण को उसकी कीमत को समझिए जो मुझे फ्री में मिल रहा है, उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे समानांतर दिशा में, हथेलियों का रुख अंदर की तरफ, फिर श्वासों को छोड़ते हुए क्या करेंगे, बाएं हाथ को बाएं घुमाएंगे, बाएं
वहीं और घुमाएंगे और श्वासों को बाहर निकाल देंगे और श्वासों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसका अभ्यास भी 5 बार 6 बार कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार ले जा रहे हैं तो गलत है। पहले आप जब बाएं हाथ जब ले जाएंगे ना तो दाहिने हाथ आपके बाएं शोल्डर के पास लग जाएंगे ऑटोमेटिक, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो। फिर श्वासों को लेते हुए सामने आएंगे और यही क्रिया दूसरे साइड पे। आपका कमर का कितना मूवमेंट होता है, शरीर को घुमाने का प्रयास करेंगे कितना आप घुमा सकते हैं। 5 बार 6 बार इसका अभ्यास आप कर ले, जिसे कहते हैं गति संचालन। यानी कि कमर के आप बाएं और दाहिने श्वासों के साथ अगर कर रहे हैं तो आपके फेफड़े के साथ आपके शोल्डर आपके हाथ आपके सारे कह सकते हैं कि सभी चीजों में एक जान आ सकती है, एक ऊर्जा आ सकती है। तो इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्योंकि हम पहले भी बताएं कि शरीर हमारा खुद डॉक्टर है। आप अपने शरीर को समझ सकते हैं जितना अगले डॉक्टर नहीं समझ सकते, उतना अपने शरीर के बारे में आप खुद समझ सकते हैं। ये भाग कटि संचारण आसन। अब हम घुटने का चेक करेंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ हम चल रहे हैं, सभी चीजों का निरीक्षण एक प्रकार से हम अपने शरीर का कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आकाश तत्व को ठीक किया, इसके बाद अभी घुटने बच रहे हैं। कटि संचालन का अर्थ है कमर का संचालन, जो भी कमर में यदि दर्द है घुमा नहीं पा रहे हैं इसलिए कटि संचालन करना आवश्यक है कमर दर्द के। देखिए जैसा कि हमारे सर ने डीमो सर ने आप लोगों को बताया, बहुत अच्छी चीजें बताया आपके, कि जिन लोगों के कमर में दर्द रहते हैं वो लोग अगर इस चीज को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अगर फेफड़े में श्वासों को भरते हुए पूरी बाईं साइड में आप जाते हैं और दाहिनी साइड में जाते हैं तो एक मेरुदंड स्पाइन पे पूरी खिंचाव आती है, उस खिंचाव को आप महसूस करेंगे, जल्दबाजी ना करेंगे। इसके बाद हम घुटने का संचालन करते हैं, तो लंबी गहरी श्वासों के साथ सम स्थिति सीधे खड़े रहते हैं, दोनों हाथों को साइड में रखते हैं। अब दोनों हाथ को सामने लाते हुए श्वासों को बाहर निकालते हुए घुटने को आधा फोल्ड करेंगे, चेयर नुमा बनाएंगे, जैसे चेयर पे बैठते हो ना आप, और जो स्थिति आपकी हो जाती है वो स्थिति में रहेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। ये बैलेंस के लिए हाथ भी आपके बाहर आगे आ रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर का बैलेंस बन रहा, आपके नाभि टिके हुए हैं। फिर लंबे गहरे श्वासों के साथ आप घुटने पे खड़ा हो जाएंगे। तो ये करते रहे आप लोग, ये घुटना संचालन है। अपने घुटने को चेक कीजिए क्या आप नीचे बैठ सकते हो, लंबे गहरे श्वासों के साथ उठ सकते हो, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जा सकते हो, जैसे साइकिल में हवा भरते हो ना तो पूरी श्वास पूरी हवा बाहर निकलती है और फिर पूरे श्वास अंदर भर जाते हैं। तो उस प्रकार से अपने शरीर को अपने घुटने का संचालन करेंगे तो इससे घुटने में होने वाली जो समस्या है आप लोग की, छोटी मोटी समस्या के आप लोग दौड़ जाते हो, पेन किलर का इस्तेमाल करते हो और उस पेन किलर से अपने आप को नुकसान करते हैं। हमारा जो एलोपैथ है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको रहने दीजिए इमरजेंसी के लिए, लेकिन आप अपने हार्ट लिवर किडनी को स्वस्थ रख लीजिए, तभी डॉक्टर लोग भी काम कर पाएंगे। क्योंकि आपका लिवर किडनी ही डैमेज हो जाएगा तो लास्ट में वहां डॉक्टर के पास जाने से क्या डॉक्टर आप लोग को बचा लेंगे, नहीं बचा पाएंगे। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मैं आप लोगों को आज यहाँ योग नहीं करवाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे को योग सिखाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग ये घुटने का संचालन हो गया, आपके शरीर का पूरा संचालन हो गया। अब कुछ आसन हम लोग करेंगे जो खड़े होकर के जो आसन किए जाते हैं। तो दोनों आसन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला आसन जो आप लोगों से आग्रह होगा, खास करके जितने बच्चे आए हैं स्कूल के, तो इससे लंबाई बढ़ती है और बड़े लोग अगर करते हैं तो स्पाइन से जुड़ी हुई सारी समस्या खत्म हो जाती है। आपके गर्दन से लेकर के मेरुदंड तक मूलाधार चक्र तक की हड्डियां बिल्कुल खींच जाती है, जो
जो हमारे स्प्रिंग नुमा जो हमारी हड्डी है, मुख्य हड्डी शरीर की, इसमें एक खिंचाव महसूस कीजिए। इस खिंचाव को महसूस करने से आपके मेरुदंड में होने वाली जो समस्या है वो आपके दूर होंगे। तो ताड़ासन करके सभी लोग दिखाएं, दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाएंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर के जाए, हथेली का रुख आसमान की तरफ, लंबे गहरे श्वासों के साथ ऊपर उठेंगे, पंजे के ऊपर में लिफ्ट करेंगे, पूरे शरीर को खींचिए जितना आप खींच सकते। कुछ लोग डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनकी एक एकाग्रता की कमी हो रही है, तो जो लोग ताड़ासन करते हैं वो लोगों का काम है कि किसी टारगेट को एक जगह ध्यान से अपने ध्यान को टिका दे तो आपका डिसबैलेंस नहीं होगा। आपका सिखाने जा रहे हैं पिच्छासन। पिच्छासन आप लोग करने के लिए सबसे पहले अपने दाहिने पैर को उठाते हैं ऊपर, एड़ी को अपने मल द्वार के पास लेकर के आते हैं और फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, दोनों हथेलियां आपस में मिला करके रखते हैं और स्थिर हो जाते हैं। जिस तरह से वृक्ष कहीं चलता फिरता नहीं, एक जगह स्थिर रहता है वृक्ष, तो एकाग्रता के लिए यह आसन बहुत अच्छा माना जाता है। और जिन बच्चों का पढ़ने में दिल ना लगता हो, इससे दिल भी लगता है, मेमोरी पावर भी वापस आती है, आपके टांगों में पावर और मजबूती आती है, आपके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, श्वास फेफड़े में भरे हुए हैं, आपके फेफड़े भी इससे मजबूत होते हैं। तो इस आसन को जब आप दाएं पैर को किए हैं तो दाहिने पैर का भी आप अभ्यास कर लेंगे, तो दूसरे पैरों से भी इसका अभ्यास करें। एक दो, इसका नाम था पिच्छासन। अभी हम लोग कमर को आगे झुकाने वाले आसन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि जिन भाई बहनों को कमर में दर्द हो रहा हो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, या चक्कर आ रहा हो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएं, लंबी गहरी श्वासों को लेते हुए ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जाए, अपनी मोटी मसल को कान से लगा दे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए पूरी श्वास बाहर निकलनी चाहिए और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, यथासंभव जितने अपने बॉडी को घींच सकते हैं उतना घींचेंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लगा लेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं अपने कोहनियों को इस प्रकार से रखेंगे और अपने पेट को पट से लगाएंगे और छाती को घुटने से लगाएंगे और सिर को जमीन की तरफ खींचते हुए पिडली के ऊपर वाले भाग में आपका ये चीज टच हो जाए। इसी अवस्था में कम से कम आधा मिनट के लिए रुके, फिर वापस आए। देखिए बहुत लोगों का सिर नहीं लग पाने का कारण है चूंकि उनकी जानकारी थोड़ी कम है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। देखिए पहले से बेहतर होगा, श्वासों को लेते हुए ऊपर उठ जाएं, एक बार बेहतर करने की कोशिश करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए जाएं और यहां से मूलाधार चक्र से लेकर के यहां तक गर्दन तक पूरा सीधी हड्डी रखें, बिल्कुल कोई थंब नहीं करें, सिर्फ यहां पे सबसे नीचे किनारे पे को टाइट करते हुए आगे की तरफ झुके। रीढ़ की हड्डी में बैंड नहीं होना चाहिए, बहुत लोग घूम जाते हैं तो वैसा नहीं कर पाएंगे, तो सबसे हड्डी के सबसे नीचे हिस्से से आप अपने आप को आगे झुकाएंगे, लंबे गहरे श्वासों के साथ ऊपर उठेंगे, दो चार बार इसका अभ्यास आप लोग कर लीजिए, इससे आपके कमर बहुत ज्यादा बलिष्ठ और मजबूत होते हैं। आपके कमर में क्या हो गया इसको, तो इसको पादहस्तासन, इसलिए इसका नाम पादहस्तासन पड़ा। तो जब कोई भी आसन हम लोग करते हैं, आगे झुकने वाली आसन करते हैं तो पीछे भी झुकने वाली आसन हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो पीछे झुकने के लिए हम लोग, जिन लोगों का कमर में दर्द होगा उन लोगों की कमर के दर्द में तुरंत इमीडिएटली आराम मिलेगा, आप रुक करके एक बार देखिएगा, लेकिन श्वासों का ध्यान रखिएगा, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और लंबे गहरे श्वासों के साथ अपने सिर को जितना पीछे की तरफ झुका सकते हैं उतना पीछे की तरफ झुकाएंगे, यथा सामर्थ्य पीछे जाएं, फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएं।
फिर यही क्रिया करेंगे। इस आसन का नाम है अर्ध चक्र आसन। क्योंकि आपका शरीर का आकार आधे, आप लोग करते रहे एक आध बार अभ्यास करते रहे, क्योंकि आधे चक्के के जैसा आपका शरीर का आकार हो जाता है। आप देख लीजिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर का जो आकार है वो आधा चक्के आधा पहिया के समान हो जाता है। इसलिए इस आसन का नाम अर्ध चक्र आसन रखा गया है। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी नेक्स्ट जो आसन हम लोग करवाने जा रहे हैं वो त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। तो त्रिकोण आसन करने के लिए 2 से 3 फीट की दूरी कमर पे रख हाथ रखे, दोनों हाथों को पैरों को खोल ले, दोनों हाथों को लंबे गहरे श्वासों के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, हथेलियों का रुख आपस में मिले हुए, बाएं हाथों को बाएं पैर के एड़ी के पीछे साइड में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। चूंकि हमारा बाएं साइड में हम अपने कमर को झुकाएंगे तो अपने बाएं पैर का जो पंजा है वो बाई ओर चला जाए इस प्रकार से, और इसके बाद बाएं हाथ को बाएं पैर के पास लेकर के जाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, और अपना नजर जो होगा ऊपरी हाथ के ऊपर में होगा। दोनों हाथ आपके पूरे खींचे हुए होंगे, श्वासों को बाहर निकाले हुए होंगे, फिर वापस श्वासों को लेते हुए वापस अपने स्थान पे आएंगे, और यही क्रिया विपरीत साइड से करेंगे। इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने से भी आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके पेट की जो चर्बी है उस चर्बी से छुटकारा मिलता है। अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करके अगर इस आसन को आप लोग करते हैं तो आपके साइड की जो बढ़ी हुई जो चर्बी है उस चर्बी को आप घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग खड़े होकर के करने वाले सारे आसन आप लोगों को जो आज प्रोटोकॉल के अनुसार दिया गया था वो सभी साधारण थे, जो सभी लोग बड़े बूढ़े सभी लोग कर सकते थे, उस आसन को आप लोगों से कराया गया है। अभी हम लोग बैठ करके कुछ आसन करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बेहतर किया, तो इसके लिए जोर से ताली तो बनती है, कस करके, मजा नहीं आया और कस करके, क्योंकि सबसे बड़ा योग ताली बजाना होता है। ताली बजाएंगे हर रोग को आप बढ़ा सकते हैं। आपके शरीर के अंदर एक जोश एक ऊर्जा आनी चाहिए। दोनों हाथों को मिला करके आपस में कस करके और कुछ गुनाहट होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, सारे बच्चे जोश में दिख रहे हैं मेरे को। इसे जोश के साथ जब भी मौका मिले, आप किसी कोई मैदान में गए हैं, कोई खिलाड़ी हार रहा हो जीत रहा हो, लेकिन आप ताली जरूर बजाएं, क्योंकि एक बहाना मिल गया और स्वस्थ बढ़ाने के लिए आप ताली बजाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर में एक ऊर्जा एक एनर्जी उत्पन्न होगी, आपके अंदर जो पैर जो फाइट जम रहा है शरीर के अंदर वो भी आपके शरीर के गर्म होने से। याद कीजिए आपके प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में थाली भिजवाई थी, लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, लेकिन यही ताली और थाली अपने जीवन के उत्साह को उमंग को बढ़ाता है। इसीलिए बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो थाली बजती है। इसलिए आप भी, यह हमारा श्वास चल रहा है इसका निर्देशन ताली और थाली से होता है। धन्यवाद। देखिए सर ने जो आप लोगों को याद दिलाया कि कोरोना काल में भी यही प्रॉब्लम आई थी, हर लोग पीड़ित हो रहे थे कोरोना से, उनके फेफड़े कमजोर हो रहे थे, फेफड़े में प्राणवायु नहीं ले पा रहे थे, और यही प्राणवायु आपको जिंदा रखा। आप लोगों में कुछ ना कुछ तो है जो उस विकट परिस्थिति को आपने झेल करके उभर के ऊपर आया है, तो आपके अंदर में हो सकती है, सिर्फ जगाने की आवश्यकता है। आप अपने शरीर के ऊर्जा को जितना आप जगा ले ये आपके ऊपर है। क्योंकि हमारे हाथ इशारा करने से हमारा मन कहता है कि हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठता है, पैर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठता है, उसी तरह हमारे हार्ट लिवर किडनी को भी एक मन से एक दीजिए कि मेरे किडनी पर इस काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, आपका जैसा सोच होगा वैसा आपका शरीर के जितने अंतःस्रावी ग्रंथियां है वो सारे काम करेगी। आप सोचेंगे मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे को चक्कर आ रहा है,
100% आपके आपको लगेगा कि आप आगे का काम हम नहीं कर सकते, बहुत थक गए हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, आप बहुत थके हैं, बाहर से ड्यूटी करके घर पे आए हैं, और जब घर पे आए हैं तो ऐसा बैग वगैरह फेंक करके आप तो मेरे अंदर जैसे जान ही नहीं हो। उसी टाइम अगर कोई दस्तक डाकिया आकर के बोले, अरे आपका तो लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, भाई साहब जल्दी आ जाओ, आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे? शरीर में जान हो या नहीं, दौड़ के जाओगे तो एनर्जी कहां से आई? आपके सोचने से आई, चूंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका शरीर वर्क और काम करेगा। तो अभी देखिए, बैठ करके करने वाले आसन हमारे योगाचार्य संजीव जी करवाएंगे, तो इनके साथ आप बैठ करके करने वाले आसन भी करें, और उसका भी बहुत सारा लाभ है जो आप लोगों को उस लाभ से अवगत करवाएंगे। तो देखिए, बैठ करके करने वाले, अभी आप खड़ा होके कर लिए, अब बैठ के करवा लेते हैं, लीजिए। धन्यवाद, बहुत ऊर्जा से ओत प्रोत होके अनिल जी ने बहुत ही बेहतर और सार्थक रूप में करवाया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करेंगे बैठने का कुछ अभ्यास है, बैठने का आसन। तो बैठ जाए भद्रासन की स्थिति में, दोनों पैर को सीधा कर लें, इसको डंडासन भी बोलते हैं, कमर को सीधा कर लें, मेरुदंड के लिए बेहतर होता है। यह लंबा सांस लें, सांस को छोड़ें, लंग्स को मजबूत करता है यह अभ्यास, सुदृढ़ करता है, स्वस्थ बनाता है यह अभ्यास। जिनका शारीरिक ढांचा बिगड़ा हुआ है उनके लिए बेहतर है यह अभ्यास। इसी में हम लोग करेंगे भद्रासन की दूसरी स्थिति, दोनों पैर को आपस में मिला लें, और बटरफ्लाई इसको बोला जाता है, हम लोग आम भाषा में बटरफ्लाई बोलते हैं। दोनों पैर को मिला लें आपस में, अब यहां पैर को हिलाने का प्रयास करें ऐसे सांसों के साथ। ये कमर का अच्छा अभ्यास है, जिनका आप बैठते हैं तो पैर उठ जाता है, आप बैठ नहीं पाते हैं सहजता पूर्वक, तो इस आसन को करने से आप सहज हो जाएंगे, मेरुदंड को लें। बटरफ्लाई का अर्थ है जो आपका ये दोनों तरफ है यही उसका पंख है, इसलिए यही समझ करके जैसे बटर जो होते हैं हमारे बत्तख जो है अपने पंख को हिलाते हैं, आप ही हिलाएं, इससे जो कपि प्रदेश है, ध्यान रखें हर योग का अपना एक महत्व है, वो अपने एक रोग पर अपना पूरा कमांड रखता है। जिनका कमर फीमर उसका बल्ब बढ़िया से नहीं घूम रहा है, उसके लिए सबसे बेहतरीन साधन ये बहुत ही बेहतर योग साधन है, बहुत बेहतर, और ये भी योग में जीते हैं, इसलिए बीच बीच में आपको योग का परिभाषा योग से आपको अवगत करवाते रहेंगे। तो साधुवाद है सर का इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए। ये बटरफ्लाई है, अब इसके बाद हम लोग वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैर को मोड़ते हैं और बैठ जाते हैं, दोनों उंगली एक दूसरे से सटा हुआ, अंगूठे की उंगली को सटाएं और बैठ जाएं। भोजन करने के पश्चात इस आसन को किया जाता है, एकमात्र आसन है भोजन के बाद करने वाला अभ्यास आसन। इस आसन को करने से हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिनको गैस बनता है, अफरा का समस्या है, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। तो भोजन करने के बाद इसको बैठना है ऐसे। अब जिनको बहुत अत्यधिक घुटना में दर्द है तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, घुटना में किसी तरह का सर्जरी हुआ है तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही सार्थक और सात्विकता से हम लोग योग करेंगे, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। हम लोग को सार्थक और सात्विक होके सोचना है। अब इसके बाद का अभ्यास, इसी में आप घुटने के बल आ जाए, दोनों पैर में फासला, अर्ध चंद्रासन, इसको अर्ध उष्ट आसन भी कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर, सांस लेते हुए शरीर को पीछे ले जाए धीरे धीरे सहजता पूर्वक। यदि किन्हीं को चक्कर आता हो, बहुत अत्यधिक बीपी हाई हो, तो इस अभ्यास से बचेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस धीरे से आ जाए, एक बार और दोहराए इस अभ्यास को, सांस लें, लंबा सांस लें और पीछे ले जाए, कमर के लिए अच्छा है ये अभ्यास। 5 4 3 2 1
वापस, बहुत ही बेहतर। एक बार और करके देखिए, बहुत मजेदार है ये अभ्यास। सांस लें, लंग्स को मजबूत करता है ये, हार्ट में जो ब्लॉकेज है उसको भी दूर करता है ये अभ्यास। लंबा सांस लें, पीछे झुकें, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। बहुत ही सुंदर और सार्थक। इसी में पुष्ट आसन, पूर्ण चंद्रासन भी इसको बोलते हैं। दहना हाथ से दहना पैर को पकड़े, एड़ी के पास ले जाए और पाया से पाया, सहज होके करें। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही करना है, क्योंकि धीरे धीरे लचीलापन आएगा, धीरे धीरे वो सात्विकता आएगा, प्रमाणिकता के साथ फिर होगा। तो हम लोग सात्विक होके ये करें। मेरुदंड को लचीला बनाता है, कटी प्रदेश में अत्यधिक चर्बी को कम करता है ये अभ्यास, हार्ट को, लंग्स को मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है ये अभ्यास। वापस, बहुत ही सुंदर। स्टेज की तरफ देख के आप लोग सात्विकता से करें, फिर से करें। सांस लें, दहना हाथ से दहना पांव की एड़ी, पाया से पाया, बहुत ही बेहतर। यहां रुकेंगे, थोड़ा देर रुकने का प्रयास करें। 5, 4, 3, 2, 1, वापस। बहुत ही सात्विकता से और पानमानकता से आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद है। इसका अगला अभ्यास है सशक आसन। बैठ जाएं, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं फिर से। अब क्या करें, थोड़ा सा जो बच्चे हैं, बड़े बस वैसे ही बैठे रहे, बच्चे क्या करें, थोड़ा पैर में फासला कर लें और नितंब को जमीन से लगाने का प्रयास करें। बच्चे ये प्रयास कर सकते हैं, बड़े। अब यहां क्या करना है, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे, माथा को जमीन से टिकाने का प्रयास। सशक आसन, सशक मतलब खरगोश, खरगोश की तरह आपका मनोभाव हो जाएगा, जो चंचल है स्थिर हो जाएगा, तनाव है दूर हो जाएगा। बहुत जिनका चिड़चिड़ापन है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये अभ्यास। जो चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं उनके लिए बेहतर है। कमर दर्द के रोगी इस अभ्यास को ना करें। फिर सांस लेते हुए ऊपर, बहुत ही सार्थक होगी, प्रमाणिक ताक्त के साथ आप लोग कर रहे हैं। फिर से करें इस अभ्यास को, दोहराएं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा माथा को नीचे लगाने का प्रयास, ललाट को लगाने का प्रयास। यहां रुकेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। बहुत बढ़िया, बहुत ही सार्थकता से, प्रमाणिकता से आप लोग कर रहे हैं। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूक आसन। इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों पैर को फैला लेते हैं। फैलाने के बाद की स्थिति क्या है, दहना हाथ को उठाएं और दहना हाथ को माथा के पीछे से बाया कंधा की तरफ ले जाएं, फिर बाया हाथ को उठाएं और बाया हाथ से दहना तरफ ले जाएं। ये लंग्स को मजबूत करता है, ये लंग्स की व्याधियों को समाप्त करता है, हार्ट को सुदृढ़ करता है, बॉडी को सही करता है, सीधा रखता है ये अभ्यास। उत्तान मंडूक आसन, वापस आ जाए, बहुत ही बेहतर। फिर से दोहराएंगे इस अभ्यास को, एक बार और करें, फिर से करें, बहुत बढ़िया। 5, थोड़ा रुके, सांस लंबा लें, सांस छोड़े, भस्त्रिका का प्रयास। 5, 4, 3, 2, 1, वापस, बहुत ही बेहतर। अब फिर डंडा आसन में आ जाए। सारा आसन का शुरुआत यहीं से होता है, कमर को सीधा रखें। इसी में हम वक्र आसन की स्थिति में आएंगे। दहना पैर को मोड़े, दहना हाथ को कमर के पीछे लगा लें, बायां हाथ से दहना पैर को घुटना को पकड़ते हुए क्रॉस कर देंगे, वक्र की स्थिति में जाएंगे। जिनका शुगर का रोग है, जिनको मोटापा है, पेट साफ नहीं हो पाता है, कब्ज की समस्या है, उनके लिए बहुत ही बेहतर है ये अभ्यास, वक्र आसन। वापस, बहुत ही सुंदर और सार्थकता के साथ कर रहे हैं। बाएं पैर से, अब दूसरा पैर से करें, बाएं पैर को मोड़े, बाएं हाथ को पीछे रखें,
बाएं हाथ को पीछे रखें, दाहिना हाथ को फंसाते हुए घुटना को पकड़ें और थोड़ा देखने का प्रयास करें। यहां रुकेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। एक एक बार और दोहराएं, क्योंकि अभी शुगर आम बना हुआ है, सबके घर में मिल जाएगा आपको, 2-3% मिल जाते हैं, तो ये शुगर के लिए बहुत बेहतर है ये अभ्यास। फिर से करें इस अभ्यास को, फिर से करें। वक आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जिनको कमर दर्द है उसमें ये लाभकारी है, आंतों को शार्प करता है ये अभ्यास, आपका जो पैनक्रियाज है उसमें बीटा सेल है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे इंसुलिन लिबरेट होता है, उसका इंसुलिन का मात्रा को वो सही रखता है, ये अभ्यास बहुत ही बेहतर और सार्थक। वापस फिर से आ जाए, फिर दूसरी तरफ से करें। तो ये वक्र आसन बहुत ही सार्थक और बहुत ही बेहतर है। अब चूंकि आपने खड़ा होके किया, बैठ के किया, थोड़ा थक गए ना हम लोग, तो अब लोग सो जाएंगे, पेट के बल सो जाएं, पेट के बल लेट जाएं, और लेट के मकरासन लेट जाएं, दोनों पैर में फासला कर लें, दोनों एड़ी को एक दूसरे के विपरीत रखेंगे, पैर में 2-3 फीट का फासला, और माथा को हाथ पर रखने का प्रयास, दाहिना तरफ या बाएं तरफ, ये शरीर के लिए बेहतर है, आपका तनाव को दूर करता है ये अभ्यास, पूरा सहज हो जाएंगे इस अभ्यास में। आवाज नहीं करेंगे, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। योग, दोनों पैर को उठाइए एक साथ, हाँ रोकेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, ये बहुत ही बड़े बेहतर है। अब इसी में 90 डिग्री तक ले जाएं, अर्ध हलासन, दाहिना पैर को उठा के सीधा रखेंगे, अर्ध हलासन की स्थिति, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं, अचानक से नहीं लाना है, ये तो गड़बड़ है, धीरे धीरे एकदम सहज होके। चलिए फिर से करें अर्ध हलासन, फाइव फोर थ्री टू वन, अब धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए, अब बाया करवट लेके सभी लोग बैठ जाइए। आनंद की अनुभूति आई, कुछ लगा कि आप लोगों ने योग किया है? हाँ, तो ऐसे ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ योग करना है, रोज करना है, प्रतिदिन करना है, तब इसका लाभ 100% हमें मिलेगा। हम जो लाभ के आशा से आए हुए हैं, योग का बहुत बड़ा महिमा है। योग का मतलब होता है जोड़ना, किससे जोड़ना, तो शरीर को मन से जोड़ना, मन को बुद्धि से जोड़ना, बुद्धि को आत्मा से जोड़ना, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जो संतुलन है, सात्विकता है। 10 मिनट के लिए हम इस योग की प्रक्रिया को थोड़ा विराम देते हैं, दीप प्रज्वलन करा लें, डीसी महोदय आने वाली थी, हो सकता है कोई कारण हो, तब तक हम अधिकारियों के द्वारा, अपने प्रजाजनों के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम माल्यार्पण कराते हैं, पूरा जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको विश्राम भी मिल गया ना, तो आप लोग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। हेलो, श्रद्धे सुधीजनों, सबको जय श्री राम, हरिओम हरिओम। आज के दिन विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में आप सबका सहभागी बनकर, जो आपकी उत्कृष्ट लालसा है मन में, उसका साक्षात परिदर्शन हो रहा है। आज इस ऐतिहासिक करजत ग्राउंड स्टेडियम में जिला का सबसे प्रमुख कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि के आगमन में
विलंब हो रहा है, इस लिहाजन हम अपने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं अपने बीच प्रशिक्षु आईएएस श्रीमान लोकेश जी से कि आप कृपया मंच पे आएं। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी श्रीमान एस एन तिवारी जी से आग्रह है कि आप प्रशिक्षु आईएएस सर को मंच पे ले आएं। हमारे बीच आर्ष कन्या गुरुकुल के संस्थापक निदेशक आचार्य कौटिल्य जी, जो अपने योग के बहुत सारे विदुषी बालिकाओं और बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और आग्रह है कि कृपया आप मंच पे आएं। सदर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरेश सिंह से आग्रह है कि कृपया ऐसे पुनीत क्षण में आप मंच पे आना स्वीकार करें। ग्रामीण विकास समिति के सचिव श्रीमान सुनील कुमार जी, आपसे भी आग्रह कि आप हम सबके बीच पधारे, मंच पे आए। झारखंड सेवा मंडल के सचिव श्री सुबोध ओझा, आपसे भी आग्रह है कि आप कृपया मंच पे आए। और सबों के गरिमामय उपस्थिति में दीप ज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। हम और आप इस पुनीत कार्य के साक्ष्य बन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हम सभी। योग परम स्वास्थ्य का विज्ञान है। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन हुआ था। योग के अनजाने सत्य को आज संपूर्ण विश्व भर में आंका जा रहा है, क्योंकि योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। योग द्वारा अनंत सुख की दिव्य अनुभूति होती है। मानव और ब्रह्मांड के एकात्म दर्शन से युक्त योग दर्शन का अभ्युदय भारतवर्ष में हुआ, जिसे दुनिया के अनेकों देशों ने हृदयंगम किया, आत्मसात किया और इसी की परिणति है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हर वर्ष आज ही के दिन अर्थात 21 जून को पूरे विश्व भर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। योग प्राचीन भारत पीठ के बल ले जाए, सभी लोग पीठ के बल ले जाए, एक बार आप लोग भी ले जाए मंच के ऊपर में। नहीं पवन मुक्ता से जो अपने ज्यादातर लोग अभी कब जो गैस एसिडिटी से परेशान लोग, खास करके बहुत ज्यादा जब गैस बनने लगती है ना, उस समय में ये बहुत ज्यादा कारगर हो जाता है। जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्त, यानी कि पेट की जो गैस है, अतिरिक्त गैस, वो बाहर निकल जाना चाहिए, पवन को मुक्त कर देना चाहिए। तो दोनों पैरों को क्लोज कीजिए, मोड़िए, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल दीजिए। दोनों घुटने से दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, दोनों हाथों से पैरों का दबाव अपने पेट पे बनाइए। श्वासों को बाहर निकालते हुए ही आप अपने सिर को घुटने से लगाइए, लेकिन जिन लोगों का कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो वो लोग सिर को घुटने में ना लगाएं, वो लोग अपने सिर को सीधा ही रहने दें। इसी अवस्था में कम से कम आधा मिनट के लिए रुके, वापस श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को सीधा कर दें, वापस श्वासों को छोड़ते हुए उसी क्रिया को फिर से एक बार दोहराएंगे। जिन लोगों के पेट में गैस बन रहे होंगे वो बाहर निकल जाने चाहिए, इतना दबाव आपके पेट का बनना चाहिए। महसूस कीजिए कि हमारे पेट की जो अतिरिक्त गैस है वो बाहर निकल रही है, पवन मुक्त हो रहा है। तो इस आसन का नाम था पवन मुक्त आसन। इसके बाद हम लोग सभी लोग सब आसन करते हैं, ये पीठ के बल ही लेटे रहिए। आप लोग दोनों हाथों को साइड में खोल करके रख दे, हथेली का रुख आसमान की तरफ आपका हो। जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके हाथों के द्वारा आने वाली है, तो उस हथेली को आसमान की तरफ रख दे, दोनों पैर खोल दे, दोनों एड़िया अंदर की तरफ हो,
पंजे दोनों साइड में खुले हुए हो। इसके बाद अपने ध्यान को उस प्राण वायु के ऊपर टिका दें जिस वजह से हम लोग जीवित हैं। तो अभी जैसा कि इस आसन का नाम है सौ आसन, यानी कि सौ यानी मुर्दा, और जो लोग लेकिन यह सब आसन को सुखासन भी कहते हैं, और यह आसन वैसे लोग जो कार्यालय में काम करते हैं, दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बच्चे जो टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं, शाम के समय जब आप लौट के आए इस आसन को करेंगे बड़ा ही आनंद आएगा और शरीर में किसी तरह की अकड़न नहीं महसूस होगी। धन्यवाद। तो आप लोग बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे ध्यान को एकाग्रता के साथ अपने श्वासों पे टिका दें, जो श्वास आ रहा है जा रहा है फेफड़े से उस पे पूरा एकाग्रता रखें। सारे अपने घर के ओल झोल जितने भी है तनाव को दूर कर देंगे। तो अभी हम एक छोटा सा चीज आप लोग को बताएंगे और हमारी बातों पे सिर्फ आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आपकी आंखें बंद होगी। जिन लोगों को ज्यादा अत्यधिक धूप लग रही होगी आंखों पे, वो लोग अपने कपड़े से या टोपी से अपने आंखों को ढक सकते हैं। इसके बाद महसूस कीजिएगा, हिलिएगा नहीं, जैसा कि इसका नाम है सौ। सौ यानी कि मुर्दा, मुर्दा हिलता नहीं है। तो उस अवस्था में आप चले जाना है, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग नींद में जाते हैं, बट नींद में नहीं जाना है आप लोगों को, हमारी बातों को थोड़ा सा सुन लेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक डिवाइन लाइट एक प्रकाश जो आपके शरीर के अंदर आ रहा है श्वासों के जरिए और शरीर के सारे अंधकार को दूर कर रहा है। तो वैसा प्रकाश सबसे पहले हमारे दोनों पैर के पैर में आ गए, पंजे के अंदर आपके पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा प्रकाश आपके पैरों में पहुंच चुका है। वहां के हर तरह के हर प्रकार की परेशानी आपके पंजे से, एड़ी से, जितने भी परेशानी है वो दूर हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिएगा। वहां के अंधकार दूर हो रही है, धीरे धीरे वो धर्म गति की तरफ, ऊपर की तरफ वो प्रकाश आपके बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे वो प्रकाश आपके पिडली में आ गई, और पिडली के जो खिंचाव थे, काफी देर तक आप लोग खड़े रहने से पिडली के अंदर एक खिंचाव आता है और वहां दर्द महसूस होता है। उस दर्द को महसूस कीजिए कि वहां शिथिलता आ रही है, वहां के तमाम समस्या हमारे पिडली के दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे वो शक्ति, वो प्रकाश हमारे घुटने में आ गई और आपके घुटने को वो रिपेयर कर रही है, आपके कार्टिलेज को एक शक्ति दे रही है, एक वहां पे संचालन का काम जो है आपका घुटने का वो सही ढंग से सुचारू रूप से हो रहा है। ऐसा अपने मन से सोचेंगे, जैसा हम पहले भी बता चुका हूं आप लोगों का कि सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो अपने शरीर का वो हमारा मन है, क्योंकि मन में आप जैसे विचार रखेंगे वैसा ही आपका शरीर उसी तरह से बिल्कुल शांत, स्वच्छ, स्वस्थ होता चला जाएगा। तो घुटने से ऊपर धीरे धीरे आपके वो प्रकाश थाइयों में पहुंच चुका है और आपके थाइयों को रिपेयर का काम कर रहा है, हीलिंग का काम कर रहा है, आपके थाई मजबूत बन रहे हैं। वो सीधे धीरे धीरे प्रकाश आपके यौनांगों में पहुंच गया और आपके यौनांगों में मल और मूत्र से जो भी जुड़ी हुई समस्या थी, मूलाधार चक्र के आसपास का क्षेत्र होता है, उस जगह में उस प्रकाश से वहां की जितनी भी समस्त बीमारी है वो आपके दूर हो रहे हैं, निकल रहे हैं। जितने भी जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है वो अपने पाइल्स को दूर कर रहे हैं, जिन लोगों को यूरिन की समस्या है वो दूर हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि तमाम रोग जो सांस सबसे ज्यादा मूलाधार चक्र के पास अंधकार होता है, हमारे मल द्वार के पास सबसे ज्यादा अंधकार होता है, उस अंधकार को वो दूर कर रहा है वो प्रकाश, और आपको एक शक्ति, एक ऊर्जा वहां से दे रहा है। धीरे धीरे आपके प्रकाश स्वाधिष्ठान चक्र को होते हुए मणिपुर चक्र में वो प्रकाश आ गए हैं और तमाम ऑर्गेन्स को, आपके पेट के इर्द गिर्द के तमाम ऑर्गेन्स को एक टोन कर रहा है, और वहां की जितनी भी मैकेनिज्म है जैसे किडनी, लीवर, आपके पेनक्रियाज, पिताशय, कहने का अर्थ है कि वहां की तमाम
तमाम चीजें आपको रिपेयर हो रही है, शुद्ध हो रही है और उसमें एक ऊर्जा आ रही है, ऐसा अपने मन से आप सोचेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर होता जाएगा। वो धीरे धीरे प्रकाश ऊपर अनाहत चक्र के पास आ गए, आपके फेफड़ी के पास, और फेफड़ी के पास महसूस कीजिए कि जो आप प्राण वायु ले रहे हो 7,30,00,000 छोटे छोटे स्पंजी छिद्रों में आप प्राण भर रहे हो और उस प्राण से आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, निरोग हो गए हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा ज्यादा मात्रा में आने लगी है, ज्यादा प्राण वायु आपके फेफड़े में। जो सुखद है, जो आनंदमय कोष को जगाना है, जो हमारे शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष और सारे लास्ट में हमारा आनंदमय कोष, उसको आप जगा दें तो आपके सारे शरीर में एक आनंद की अनुभूति होगी। धूप में लेटे हैं बट आनंद की कमी नहीं आएगी। और सबसे अच्छी जगह जिसको सबसे सुखद समझते हैं, अपने ध्यान को, अपने मन को उस जगह ले जाएं, अपने आत्मा को उस परमात्मा से मिला दें, जो प्रकाश आपका पूरे शरीर को जो हीलिंग कर रही है, आपको रिपेयर कर रही है, आपको मजबूत कर रही है, इन चीजों को ध्यान दे करके उस सुखद जगह में चले जाएं। चंद सेकंड के लिए दोनों हाथों को आप उठा लें, आपस में घर्षण करें, समय का अभाव है, इस वजह से भी आप लोग को ज्यादा देर में शवासन नहीं कराऊंगा। बहुत लोगों को नींद आ जाती है ऐसा करने से, लेकिन आपको सोना नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। हमारे शरीर के समस्त विकार दूर हो रहे हैं ऐसा। अब दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लगाएं, पूरा पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ अपने चेहरे पे हाथों को घुमाएं और धीरे धीरे बाई करवट होते हुए आप बैठ जाएं। अभी 2-3 प्राणायाम है जो आप लोगों को मैं करवा दूंगा, जो ब्रीदिंग के साथ करना है। सबसे पहला हम जो करते हैं कपालभाति प्राणायाम, आप मंच पे देख सकते हैं हमारे सारे योग शिक्षक लोग हैं और सारे लोग की जो स्थिति है, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहे उस आसन में आप लोग बैठ जाएं, सांसों को तेजी के साथ, प्रखरता के साथ, सारे कैविटी को, सारे समस्त विकार को एक झटके के साथ बाहर निकालेंगे। जब आप सांसों को बाहर निकालेंगे तो नाभि के पास एक स्टॉक लगेगा, आपके पेट अंदर की तरफ जाएंगे और आपको जिन लोगों का पेट बड़ा है लोग कर नहीं पाते, उन लोगों से आग्रह होगा, यहाँ आए होंगे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने कामों को करते करते भी कपालभाति करिएगा। लेकिन आज योगाभ्यास अगर आप लोग को समय मिलता है तो बैठ करके इन आसनों में बैठ करके करें, श्वासों को निरंतर बाहर छोड़ते रहें। आप लोगों का प्राणायाम हो रहा है, ध्यान आपके पूरी एकाग्रता अपने पेट के ऊपर में, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं पूरे हमारे शरीर के विकार बाहर निकल रहे हैं। करते रहे आप लोग कपालभाति प्राणायाम, कम से कम आप लोग को 30 से लेकर के 60 चक्र आप लोगों ने करने हैं। से दबा पाओ और जब बाई नासिका से लंबा गहरा श्वास आप लेंगे, बिना श्वासों को रोके हुए दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे, वापस दाहिनी नासिका से ही लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाई नासिका से श्वासों को बाहर निकाल देंगे। ये चीज जो आप करेंगे अनुलोम विलोम 72 करोड़ नस नाड़ियों को आप शुद्ध कर रहे हो, हमारे शरीर के जितने समस्त नस नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जा रही है, उसकी कचरे बाहर निकल जा रहे हैं। तकरीबन हर बीमारी में 99% की बीमारियों में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करता है, चूंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना हमारा उद्देश्य होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके बाद देखिए बहुत गर्मी आ रही है, अभी गर्मी में आप लोग को एक शीतलता प्रदान कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने जीभ को नाली नुमा बना लीजिए, बहुत गर्मी हो रही है, देखिएगा आपका जो प्यास लग रही होगी ना वो प्यास भी बुझ जाएगी, यकीन करना। थोड़ा सा जीभ को कैसे बनाना, नाली नुमा,
यानी कि दोनों तरफ से जीभ को फोल्ड कर देना, दोनों ऊपर से होंठ से दबा दीजिए उसको, और श्वास धीरे धीरे उस नाली के द्वारा श्वास अंदर को ले जिसका स्पर्श गले में हो। आपको एक ठंडापन महसूस होगा, आपके शरीर में शीतलता आएगी, आपके शरीर में ठंडापन आएगा। जितने भी पित्त की समस्या से जो लोग परेशान हैं, उन लोगों की पित्त की समस्या दूर हो जाती है। ऐसा मात्र करने से आपके भूख प्यास में कमी आ जाती है, आपको प्यास थोड़ी देर रोक सकते हैं, आप पी सकते हैं। जब गर्मी के दिनों में इस तरह की महसूस हो तो शीतली प्राणायाम जरूर कर ले 5-7 बार। गर्मी का टाइम था, अभी लास्ट में हम जो हमारा प्राणायाम है, एक प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अंगूठे से कानों को दबा देते हैं, 3 उंगलियों से आंखों को ढकते हैं, नासिका के मध्य में हल्का सा दबाव डालते हैं। जैसे अभी नासिका मैं दबाऊंगा तो देखिए किस तरह से आवाज आ रहा है। हम जो बात कर रहे हैं तो लग रहा है ना कि मैं नाक से बोल रहा हूं। तो इस तरह से हल्का सा दबाव डालेंगे तो दबाव डालने से क्या होगा कि एक शरीर में आपके सिर में एक गुंजन सा होगा, तो गुंजन महसूस कीजिएगा, भौरे के जैसा गुंजन होगा। और ऐसा क्यों करते हैं, मानसिक प्रॉब्लम वाले के लिए सबसे बेहतर है। आपके आकाश तत्व को ये बहुत बढ़िया करता है। क्यों बढ़िया करता है, इसके पीछे कारण है कि हमारे ब्रेन के बीच में एक पिनियल ग्रंथि होती है जो सक्रिय हो जाती है, और उसका काम होता है सीरोटोनिन और मेलाटोनिन को निकालना। तो सीरोटोनिन की मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा रहेगी तो आपके चेहरे पे एक स्माइल, एक हंसी आएगी, और नहीं तो आप डिप्रेस्ड रहोगे, आप दुखी। बोलते ना कि दुखी आदमी आत्मा है, दुखी आदमी है ये हंसने वाला व्यक्ति है, तो उसी का सीरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो खुशी का रसायन आपके शरीर में बढ़ जाता है उस गुंजन से, उस सिर के वाइब्रेशन से। तो करके देखिए, नासिका से ओम का उच्चारण करिए, मुंह को बंद कर दीजिए, लंबे गहरे श्वास लीजिए, और यही प्रक्रिया आप बार बार दोहराते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अभी सारे प्राणायाम आपके समाप्त हो चुके हैं, अभी हम लोग करेंगे शांति पाठ। लीजिए, शांति पाठ करवाएंगे हमारे संजीव योगाचार्य संजीव जी। मेडिटेशन काफी धूप है इसलिए सबको असहज है, तो थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो सभी लोग सर को ढक लें टोपी से, तो ये उस जो है आपको थोड़ा सा कूल डाउन लगेगा। अच्छा, ध्यान करने का मतलब ये नहीं कोई चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान इज रिलैक्सेशन। ओके, तो एक सांस लेंगे और छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट। मुस्कुराना थोड़ा टफ लग रहा है बट इट इज चैलेंज, नाउ यू कैन डू दैट। आप थोड़ा सा हल्का सा नकली मुस्कान भी चलेगा आज के दिन, थोड़ा नकली मुस्कान भी बनाए रखें। सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स योर बॉडी। अपनी दोनों हथेलियों को खोल के जंघे पर रख लें महामुद्रा में, इस तरह से सांस लें, आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। एक सांस लें, आपके परिसर में हो रहे आवाजों को ध्यान से सुने, आसपास जो भी आवाज हो रही है उसको ध्यान पूर्वक सुने। जनरेटर की आवाज, बातचीत करने की आवाज, सभी आवाजों को स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट ऑल द नॉइजेस, सभी आवाजों के साथ एक रस हो जाएं।
एक लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा कष्ट है तो मुस्कुराहट से दूर करते हैं, गर्मी है तो हमारे अंदर पुरुषार्थ भी है, थोड़ा देर इस पुरुषार्थ को अपनाएं और मुस्कान के साथ सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर को और ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पैरों पे ले जाएं, रिलैक्स योर बोथ फीट, दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। दोनों घुटना रिलैक्स, दोनों जंघों को भी ढीला छोड़े, रिलैक्स योर बोथ थाई। कमर, पीठ, छाती, दोनों कंधे, दोनों हाथ, चेहरा, एक लंबी गहरी सांस लें, अपना ध्यान अपने सर पर ले जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तस्थितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्थितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्थितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ